हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा HPICC जेई मैकेनिकल का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले भी हमने जेई मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अनविंस एम्पिरिकल फार्मूला द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल डी एंड थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज मोर देन 8 mm, देन डी इज कैलकुलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6√t। अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट टी इज़ लेस देन 8 mm हो तो हम डी कैलकुलेट करेंगे बाय इक्वेटिंग शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स टू द क्रशिंग रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की आर यूजुअली मेड फ्रॉम स्टील विथ टेंसाइल स्ट्रेस नॉट लेस देन ऑप्शन नंबर ए 700 N/mm². नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिफ्टिंग ऑफ हैवी मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरेलल फिलेट वेल्ड इज डिजाइन फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शाफ्ट्स विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ इफ एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम, द मटेरियल ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू इलास्टिक पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच, ऑप्शन नंबर ए, एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट अ फिक्स्ड एंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, W²/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर मॉडुलस फॉर अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयर फोर्स इज जीरो देन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ कॉलम इज 100 then it is said to be a long column, option number A. Next question है, the type of space lattice found in alpha iron is, option number B, body centered cubic space lattice. Next question है, which of the following process of steel making is in operation at Tata Iron and Steelworks Jamshedpur? इसका correct answer है option number C, duplex process. अगला question है, the property of liquid by which offers resistance to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer of liquid is called viscosity. Option number D is the correct answer. Next question है, the force per unit length is the unit of, option number A, surface tension. Next question है, the process generally used in summer air conditioning to cool and dehumidify the air is called, option number D, cooling and dehumidification. Next question है, इन द साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्व्ड लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी अवेलेबल एट द इंपेलर टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप बाय द प्राइम मूवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 cubic meter ऑफ वाटर वेट, ऑप्शन नंबर डी, 1000 liter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स अ बोल्ट थ्रेड ऑफ 6 mm साइज ऑफ कोर्स पिच एंड विद अलाउंसेस ऑन द थ्रेड्स एंड नॉर्मल टॉलरेंसेस ग्रेड इज डेजिग्नेटेड एज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इन द ऑटोमोबाइल कंट्रोल्स द, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द टायर्स टू द रोड सरफेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट व्हेन इट पासिस फ्रॉम टाइट साइड टू द स्लैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस एज द रेडियस ऑफ सी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, अ हार्टनर गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर,
आर्नल गवर्नर जो है एक स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स आर यूज टू फॉर्म इंटरनल कैविटीज इन द कास्टिंग, इम्प्रूव मोल्ड सरफेस, फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मोल्टन मेटल इज फेड इन द कैविटी ऑफ मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी द मेथड ऑफ कास्टिंग इज नोन एज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लो होल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोचिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ मेटल टू द डिजायर्ड शेप फ्रॉम एज ऑफ अ प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग ऑप्शन नंबर ए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोर हेड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रोड एंड द वर्क इज कैप्ट एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 degrees to 40 degrees। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक इज यूज टू। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। तो वी ब्लॉक जो है वो यूज़ किया जाता है राउंड मेटेलिक रोड्स और पाइप्स को होल्ड करने के लिए फॉर परफॉर्मिंग ड्रिलिंग एंड मिलिंग ऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑप्शन नंबर ए शैंक मटेरियल एंड डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शेपर द मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीएम मशीनिंग इज अप्लाइड फॉर शेपिंग कार्बेट डाइज एंड पंचेज हैविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स इन सीरीज एंड फ्यूल नोजल्स एम्बोसिंग एंड एनग्रेविंग ऑन हार्डन मटेरियल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप वॉच। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज अबाउट ऑप्शन नंबर ए 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस्ट पावर फोर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अ हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस यूज्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू लिफ्ट लार्जर लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू वन रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी अ ऑप्शन नंबर ए ब्लैक बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडर इन्फ्लेटेड टायर विल वेयर द थ्रेड मोस्ट ऑप्शन नंबर बी नियर द एज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एसआई इज ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंपल्स टर्बाइन इज द बी इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंपल्स टर्बाइन इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टर्बाइन टू द एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज आर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल मशीन इज ऑप्शन नंबर ए मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडी इज डन टू ऑप्शन नंबर ए मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन इज लोकेटेड इन मिडिल पोर्शन इन सम व्हीकल्स मेनली टू ऑप्शन नंबर ए बेटर यूटिलाइज द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोलिंग रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टायर एंड रोड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज नियरली ऑप्शन नंबर बी 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एन इंजन हैज़ अ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब, द कंप्रेशन रेशियो इज़। तो हमें क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब और स्वेप्ट वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें निकालना है कंप्रेशन रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग ऑफ लाइट पर मिनट इन अ डायरेक्शन साइड टर्न इंडिकेटर इज अबाउट। ऑप्शन नंबर बी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिनर इज एडेड टू पेंट इन ऑर्डर टू, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक पैडल ड्यूरिंग ABS ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिट्स स्लाइट किकबैक टू द ड्राइवर्स फुट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ वेपर लॉकिंग ऑन द ब्रेक परफॉर्मेंस इज दैट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रेक्स फेल कम्प्लीटली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर इज टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट ब्रेक पैडल फोर्स इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस आर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर वेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कास्टर एंगल ऑन व्हील्स इज टू, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्टेड आउटवर्ड देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैम्बर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वेयर द थ्रेड मोस्ट नियर द, ऑप्शन नंबर डी सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ रेडियल प्लाई टायर कंपेयर टू क्रॉस प्लाई टायर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनकंफर्टेबल राइड एट लो स्पीड। अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर द स्टीयरिंग लिंक रोड इज, ऑप्शन नंबर सी ड्रैग लिंक। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग गाइज इन केस ऑफ कार्स आर यूजली लाइंड विद, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रबर बुशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोइल स्प्रिंग इन विशबोन सस्पेंशन इज प्लेस्ड बिटवीन द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोअर विशबोन एंड क्रॉस मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट इज जनरली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्रैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट 2.5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लच इज यूजुअली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क विच इज, ऑप्शन नंबर सी 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विच क्लच फेसिंग कैन विदस्टैंड विदाउट बीइंग डैमेज्ड इज अबाउट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 100 kilopascal। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एमिंग द हेडलाइट्स द डिस्टेंस बिटवीन द हेडलाइट्स एंड द स्क्रीन शुड बी 7.6 meters, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज कार हीटर इज द, ऑप्शन नंबर बी हॉट वाटर टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेमिनेटेड ग्लास व्हेन क्रैकिंग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैंडविच्ड लेयर ट्रैप्स द फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग क्लियरेंस बिटवीन टू फ्लैट सरफेसेस द टूल इज यूज्ड इज द, ऑप्शन नंबर डी फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर इंजन इज एन इंजन हैविंग, ऑप्शन नंबर सी बोर एंड स्ट्रोक इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक द रिंग्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बॉटम ऑफ ग्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिश इन द पिस्टन हेड इज इम्प्लॉयड टू, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर इनलेट वेल्व इज यूजुअली, ऑप्शन नंबर ए सिलिकन क्रोम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्व्स हैव टू बी रिप्लेस्ड इफ द मेटल टू बी रिमूव्ड फॉर स्मूथनिंग देयर एंड सरफेस इज मोर देन, ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट द बेस्ट मेथड इज टू प्लेस इट ऑन इट्स एंड,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एलोएबल हाइड्रोकार्बन्स इन द कार एमिशंस आर अप्रोक्सीमेटली, तो ऑप्शन नंबर बी 100 ppm, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ द पी सी वी वेल प्लंजर एट आइडल स्पीड इज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए टूवर्ड्स द वेल्व आउटलेट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लो कार, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल इज अबाउट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटेन रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन नंबर बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इन ऑटोमोबाइल्स इज टू लिमिट द व्हीकल स्पीड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू रोज ऑफ सिलेंडर्स इन अ वी टाइप इंजन आर जनरली अरेंज्ड एट, ऑप्शन नंबर बी 60 degree। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग इज अराउंड, ऑप्शन नंबर सी 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज मोर विस्कस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द थर्मोस्टैट इज टू कीप द इंजन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एट डिजायर्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैन इन द मारुति कार इज कंट्रोल्ड, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग प्रेशर ऑफ होल टाइप नोजल्स वेरीज फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 to 34 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर एसआई इंजन यूजुअली वेरीज बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए 25% एंड 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन, ऑप्शन नंबर ए सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी हैज़, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी शॉर्ट सर्किट्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स मे बी टेस्टेड विद, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक एयरक्राफ्ट यूजुअली एक्सटेंसिवली बाय द मिलिट्री इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेयर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर दैट कंट्रोल्स अप एंड डाउन और पिचिंग मोशन ऑफ द एयरक्राफ्ट नोज इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एलिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट परमिट्स यू टू मैन्यूवर इट ईजिली एंड अलोज इट टू विस्टैंड द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द मैन्यूवर इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट पॉइंट ऑन एन एयरफॉइल दैट इंटरेक्ट्स विद द एयर फ्लो अराउंड द विंग इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ट्रेलिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एयरक्राफ्ट परपेंडिकुलर टू इट्स फ्लाइट पाथ इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेटरल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ट्रेवल थ्रू द एयर इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड द रिजल्टिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू द एयर इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एरोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट दैट इज डिजाइंड टू फ्लाई विदाउट एन इंजन इज ग्लाइडर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इनफ्लो परफॉर्मेंस ऑफ अ रिजर्वॉयर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन ट्यूबिंग डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कॉज ऑफ सैंड प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रनिंग केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लिफ्ट वर्क्स मेनली थ्रो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर लोअरिंग बॉटम होल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेल स्टिमुलेशन ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी रिजर्वर परमीबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नीड नोट टू बी कंसिडर्ड वेन डिजाइनिंग मैट्रिक्स ऑक्सीडाइजिंग ट्रीटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मेशन क्लोजेस्ट टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल्स फॉर द ESD बॉयलर इज अचीव्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाईपासिंग द सुपर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल ऑयल इम्प्योरिटीज कैन कॉज मैक्सिमम एब्रेसिव डैमेज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैटालिटिक फाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑपरेटिंग ऑक्सिलरी बॉयलर हैज़ अ वाटर pH रीडिंग ऑफ 7, यू शुड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रीट द वाटर विद कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू अ ट्रांसवर्स कर्वेचर ऑफ द डेक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ स्मॉल पैसेंजर वेसल द कोलिजन बल्क हेड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन पेपर का टेक्निकल सेक्शन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।